हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज की जो वीडियो है आज हम किड्स का लर्निंग अब हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड है तो किस तरह उन फ्लैश कार्ड से आप बच्चों को सिखा सकते हैं किस तरह आप उनको खिला सकते हैं क्योंकि तो जो हमारे बच्चे होते हैं अगर हम हम उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो ये बोलते हैं नहीं हम नहीं पढ़ेंगे हमारा पढ़ने का मन नहीं करता यही बोलते हो ना तो हमें क्या है ना इनको कुछ इस तरह सिखाना पड़ेगा जिससे इनका खेल भी हो जाए यानी गेम गेम में ये पढ़ना भी सीख जाए तो इस तरह हमें कुछ इनको सिखाना पड़ेगा कुछ इस तरह की एक्टिविटी हमें करानी पड़ेगी जो इनको अच्छी लगे और ये उसमें सीख जाए इनका इंटरेस्ट हमें बनाना पड़ेगा यानी हमें खेल खेल में इन्हें सिखाना पड़ेगा तो वही कुछ मेरे पास फ्लैश कार्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ्लैश कार्ड है वो मार्केट से मिल जाएंगे तो इससे आप ये हमको से ऐसे स्कूल से मिलते हैं इसको आपको इनको स्कूल से मिले स्कूल में पढ़ती है तो उनके फ्लैश कार्ड स्कूल से मिले तो इन्हीं से मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पढ़ने के लिए देती है मैम इनको तो किस तरह ये आप इससे पढ़ सकते हैं बच्चों किस तरह पढ़ा सकते हैं नन्नू आपको बताएगी इसका नाम नन्नू है आप मनी बोलते हैं इसको तो ननी चलो हम इससे पढ़ाई करते हैं ठीक है चलिए एच एसटार तो ये हमारे पास फ्लैश कार्ड है तो मैं दिखा देता हूँ फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं तो दिस इज़ अ फ्लैश कार्ड इन विथ डिफरेंट अल्फ़ाबेट एंड नूमरिकल करेक्टर आर रिटर्न यहाँ पे पीछे इसकी इमेज दी हुई है आगे इसमें क्वांट वो लिखा हुआ है नंबर इस तरह ही यहाँ पे टू नंबर लिखा है और पीछे वही आपकी जो पिक्चर है वो टू दी हुई है हम इसके बारे ये देखो फोर है ओके फोर के बाद इसमें यहाँ पे फोर आपके फोर इसमें इमेज दी हुई है इस तरह ही फाइव है यहाँ पे फाइव के पीछे फाइव इमेज दी हुई तो इस तरह आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो कैसे आप पढ़ा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ नन्नू आपको पढ़ा के नन्नू बताइए किस तरह पढ़ सकते हैं आप इससे नन्नी नन्नू चलो तो मुझे आप पहले हम इनको फैला देते हैं ठीक है तो आप मुझे इसमें से टू टू दो टू सर्च करके टू दो गिव मी टू ओके दिस इज टू गिव मी एट यस गिव मी टेन यस टेन ओके नाउ टर्न ऑल बैक टर्न ऑल बैक टर्न ऑल द बैक ननू टन ओल्ड कार्ड इन बैक ओके नाउ यू गीव मी टेन टेन टैन काउंट फर्स्ट काउंट दे वेरी गुड अरे टेन वा ये तो टेन है वाओ नाउ यू गीव मी थ्री 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 वेरी गुड दिस इज थ्री ओके नाउ यू गिव मी सेवन ननु गिव मी सेवन 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 यस यस सेवन दिस इज सेवन ओके वेरी गुड तो दोस्तों इस तरह आप बच्चों को सिखा भी सकते हैं पढ़ा भी सकते हैं और इनका ननू मज़ा आ रहा है आप लर्न कर रहे हो खेल भी रहे हो अच्छा लग रहा है ना पढ़ने मजा आ रहा है ना हाँ ऐसे मजा आता है तो बच्चों को कुछ इस, इस तरह की आपकी एक्टिविटी करानी है जिससे बच्चे सीख भी सके और कुछ लर्न भी कर सके इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं इस तरह प्लस कार्ड आप मार्केट में मिल सकते हैं या फिर आप कुछ भी वेरी गुड भी दुकान में शॉप खुलते हैं तो इस तरह आप इसको पढ़ा सकते हैं दूसरी एक्टिविटी इससे बताते हैं किस तरह दूसरी एक्टिविटी आप कर सकते हैं चलो ननू हेलो अब, आप इनको काउंट करके बताओ मुझे कितना है के? काउंट करके मन, हाँ हाँ बताओ हाँ बताओ बताओ काउंट करके बताओ मुझे नाइन नाइन टोटल टोटल काउंट करो ये भी काउंट करो नाइन के बाद टेन हम्मीटी वेरी गुड फिफ्टीन इसका मीन्स क्या है नाइन प्लस सिक्स कितने होते हैं फिफ्टीन तो इस तरह दोस्तों आप इनको लर्न कर सकते हैं पढ़ा सकते हैं सिखा सकते हैं कार्ड के थ्रू अलग अलग एक्टिविटी आप कराएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा तो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी विद द हम्म कोई नहीं चलो तो अब हम ए बी अब हम ए बी सी डी से पढ़े अल्फाबेट से ओके तो ये दूसरे जो कार्ड है हमारे पास इन पर क्या है ए बी सी डी लिखी है इसमें जो है ऊपर हमारी कैपिटल लेटर में है नीचे वही चीज़ हमारी इसमें स्मॉल इस लेटर में दी तो हुई तो है ठीक है हाँ मैम हा, ने दिया है वैसे आप मार्केट से भी इसको ले सकते हैं कहीं ना कहीं से मिल जाएगा वैसे स्कूल से से भी, मिल जाएगा तो इसमें वैसे पास छोटे वाले भी है ओके 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 लेट्स ओके साइलेंट साइलेंट तो दिस इज़ क्या है इसमें क्या होता है आपको अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल लेटर में मिल जाता है नीचे आपको इस मोलेटर में तो इससे आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं अपने किड्स को बता सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट हमारे कैपिटल में ऐसा होता है इस मोलेटर में इस तरह इसको लिखते हैं प्रैक्टिस भी करा सकते हैं सिखा भी सकते हैं उसके बाद उसके बाद इसमें उसके बाद इसमें पीछे क्या है उसी अल्फ़ाबेट से इमेज दी हुई है पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा ये डी फोर है ऊपर कैपिटल लेटर में डी लिखा होनी चाहिए स्मॉल लेटर में डी लिखा हुआ है उसी के पीछे उन्हीं इमे, की इमेज डी फोर डोग डी फोर डक जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बच्चे लर्निंग करते हैं एक्टिविटी होते नन्नू अब आप एक एक्टिविटी एक करोगे आप मुझे इसमें से एच सर्च करके दो एच मी एच Ok, give me uh, a. a a a ok now give me b b yes. search b b b कैन यू कैन यू नॉट फाइंड बी 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 देखो बी ये बी बी फोर बी फोर वेरी गुड ओके आर फोर आर फोर रोज आर फोर रोप रोप रस्सी नहीं रो ओके वाट इज दिस एस एस फोर Yeah. आवाज है साउंड ऐसे ही होता है।, होता है कैसे होता है कैसे होता है सन कैसे बोलोगे इसको आप क्या बोलोगे सन क्या बोलो ये क्या है ये क्या है इसके आपको पता है हम इसको अगर हाँ ठीक है ये 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 क्या? ये क्या है ये क्या है ये क्या है सन ये क्या है ये क्या है एस पोर एस पोर स्नेक और इसी, इसी से आप इसी से आप इनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी अपने जो आपका किड्स है उसको बोलते हैं भाई आप इसको ए बी सी डी को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करके दो तो अल्फ़ाबेट अभी नन्नू आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी करके दिखाएगी ए के बाद बी बी के बाद सी तो चलिए ये एक्टिविटी बच्चों कराते हैं तो ये अभी क्या है इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज कर रही है नन्नू ये भी एक, एक एक्टिविटी है आप अपने किड्स को इस तरह मुझे आपको सही एबीसी ज्ञात किया आप ले आ दिए हम जब पत्ते जब भी हमको एबीसी ज्ञात किया ओके okay. e इसके बाद अब अब कौन सा अल्फाबेट आएगा एफ ओके सर्च ऐप करो एफ कहाँ पे है मुझे तो दिख रहा है आप. आपको नहीं दिखा दिख रहा है दिख रहा है चलो ऐप रखो अब।, अब जी जी कहाँ गया सर्च करो जी सर्च करो चलो मैं आपके हेल्प आप कराता हूं सर्च वहाँ पे रखो चलो जे के बाद क्या आएगा लाओ इधर रख देता हूँ मैं जे के बाद जे के बाद के, के? के चलो के रखो मुझे लग रहा है ननू जे के बाद एम आता है या के ही आता है? के, आता है। के ही आता है के ही आता चलो के रख दो फिर के के बाद सही से सही से चलो के के बाद अब क्या आएगा कोई नहीं के बाद क्या आएगा ओ के बाद पी के बाद आफ्टर पी क्यू आफ्टर क्यू क्यू के बाद ओ पी क्यू क्यू इज क्यू दिस इज क्यू अरेंज अरेंज क्यू क्यू के बाद क्या आता है आर यस नाउ सर्च क्यू सर्च आर ओके सर्च आर r yes now s s i e. d v. Yes, v. w w yes b w w Hmm. y and z very good very good wow